लो भैया, एक बार फिर यूपी पुलिस अपने काले कारनामों को लेकर वायरल हो गई। वायरल वीडियो में आप देख रहे हैं कि खाकी वर्दी में पुलिस को एक चोर की तरह घसीटा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, तो आइए आपको बता ही देते हैं कि यूपी पुलिस का ये नया कारनामा क्या है। दरअसल लखनऊ के बख्शी का तालाब थाने में पोस्टेड दरोगा को एंटी करप्शन टीम ने 13,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया। दरोगा पर आरोप है कि जमीन विवाद का निपटारा कराने के लिए उसने एक शख्स से 13,000 रुपए की डिमांड की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एंटी करप्शन टीम ने घूसखोर दरोगा प्रदीप पांडे को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि एंटी करप्शन को एक शख्स ने शिकायत कर बताया कि नगवा मऊ में उसकी जमीन है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पीड़ित ने आरोप लगाया कि जमीन की निशानदेही के नाम पर प्रदीप पांडे उनसे रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत के बाद एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया, जिसके बाद मंगलवार को पीड़ित बीकेटी थाने के पास पहुंचा और जैसे ही उसने दरोगा को रिश्वत के पैसे दिए, एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद टीम ने आरोपी से रिश्वत के पैसे कब्जे में ले लिए और इसके बाद उसे वहां से पैदल ही गाड़ी तक ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।